तो आप सभी का स्वागत है अनअकैडमी में, जो कि अगेन इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। कोर्स को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको थोड़ा सा ब्रीफ में बता देता हूँ कि इस पर्टिकुलर सेशन में, है ना, इस सेशन में जो मेजर हमारा डिस्कशन होगा वो बेसिकली माउंटेन रेंजेस से रिलेटेड होगा। देखिए, अगर आप यूपीएससी प्रीलिम्स की आप में से बहुत सारे स्टूडेंट 2019 के लिए मतलब इसी साल जो है प्रिपेयर कर रहे होंगे और वो एग्ज़ाम देंगे, कुछ स्टूडेंट्स 2020 के लिए जो है वो भी प्रिपेयर कर रहे होंगे, तो दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, क्योंकि एक प्रकार से जो माउंटेन्स हैं, इंपॉर्टेंट माउंटेन्स जो हैं अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में जो लोकेटेड हैं, उनसे रिलेटेड यूपीएससी ने बहुत बार प्रश्न पूछा है। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं देता हूँ, है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपसे कोई पूछे एटलस माउंटेन्स कहाँ पर लोकेटेड है, ठीक है, आपसे ये सिंपल सी चीज़ पूछा जाए। इंडिया की अगर बात करें, इंडिया की अगर सिंपल सी बात करें, तो आपसे कोई पूछे कि पटकई बम वो कहाँ पे लोकेटेड है, पटकई बम कहाँ लोकेटेड है, ठीक है, आपसे कोई पूछ सकता है, इन जनरल अगर आप देखें, आपसे सिंपल सी चीज़ कोई पूछ सकता है कि लोकटक लेक जो है, लोकटक लेक, ये यूपीएससी ने पूछ रखा है, लोकटक लेक किस माउंटेन के पास में लोकेटेड है ना, जिसका आंसर लाय मोटाल है, ठीक है। और इन जनरल अगर आप देखें तो लोकटक लेक जो यूपीएससी ने अपने ऑप्शन में दिया था उसमें लिखा था कि बैरल रेंज, जो कि गलत है, ठीक है, बैरल रेंज जो है वो गलत था और उसका आंसर लैम अटॉल था। इसी प्रकार के चाहे वो इंडियन मैपिंग हो और या फिर वर्ल्ड मैपिंग हो, दोनों से प्रश्न पूछे जाते हैं। और जो अगर आप प्रश्न की पॉसिबिलिटी देखें तो अलग अलग तरीके से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगर इन जनरल आप देखें तो मैच द फॉलोइंग या फिर कुछ स्टेटमेंट बेस्ड प्रश्न वो पूछे जा सकते हैं। तो इस सेशन में मेजर हमारा डिस्कशन होगा वो माउंटेन्स। हम प्रयास करेंगे कि एटलीस्ट, क्योंकि समय थोड़ा कम है, तो इसमें हम ये प्रयास करेंगे कि जो मेजर माउंटेन्स हैं और जो अलग अलग कॉन्टिनेंट्स हैं, जैसे नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका के जो मेजर माउंटेन्स हैं, प्लस ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के जो मेजर माउंटेन्स हैं, या ऐसे कॉन्टिनेंट्स हैं जिनको हम टच नहीं करते, आप एशिया के माउंटेन्स जरूर करके जाते हैं, और एशिया, ये तीन कॉन्टिनेंट्स के माउंटेन्स आज देखेंगे। और फिर जो है कल की क्लास में, कल भी कुछ दूसरा टॉपिक है, बट कल की क्लास में हम यूरोप के माउंटेन्स देखेंगे, अफ्रीका के माउंटेन्स देखेंगे और साउथ अमेरिका के माउंटेन्स जो है उसको देखेंगे, ठीक है। और इससे रिलेटेड बहुत सारे जो पॉसिबल प्रश्न हैं वो भी मैं आपसे जरूर डिस्कस करूंगा। तो अगेन, अगर आप अनअकैडमी के लर्निंग ऐप में, तो वहां भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहां पे ऑलरेडी अगर आप 2020 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें डेली बेसिस पे मैं एमसीक्यूज डाल रहा हूं उसमें, तो आप जाके उसको फॉलो करें। अगर आप 2020 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, 2019 की कर रहे हैं तो तब आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आप 2020 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप जरूर से डेली एमसीक्यूज को करें, ठीक है। 2020 की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अगेन जो मेन्स आंसर राइटिंग है उस पर भी मैं रेगुलर डालता रहता हूं, तो आप भी उसको आप जाके वहां से जुड़ सकते हैं। जो लर्निंग ऐप है अनअकैडमी का, उसमें आके मुझसे जुड़ सकते हैं। प्रीलिम्स से रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट है तो वो भी आप इन जनरल इस कोर्स में देख सकते हैं। और क्लाइमेटोलॉजी पर एक कोर्स है जिस पर, जैसे फॉर एग्जांपल एल नीनो, ला नीना, एल नीडो मोडोकी, इंडियन ओशन डायपोल, पॉजिटिव नेगेटिव, या फिर अगर आप बात करें जैसे एक कंसेप्ट हॉट हाउस अर्थ का एक कंसेप्ट आया है उसको मैंने इसमें एक्सप्लेन किया है। एटमॉस्फेरिक आयोडीन किस प्रकार से जो ओजोन है उसको डिस्ट्रॉय कर रही, जिस पर हाल ही में एक रिसर्च पब्लिश हुई है, ऐसे कुछ टॉपिक्स मैं इनमें कवर करता रहता हूँ। तो क्योंकि ये फ्री लर्निंग ऐप है तो आप इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। अगेन ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन है अबाउट मी। अगेन माय नेम इज सौरभ पांडे, आई हैव 5 years टीचिंग एक्सपीरियंस। अगेन आई हैव टॉट इन डिफरेंट इंस्टीट्यूट, ऑल्सो वर्कड एज अ सीनियर यूपीएससी फैकल्टी। अगर आप यूट्यूब में भी सर्च करेंगे तो आई क्रिएटेड मोर देन 600 लेक्चर्स ऑन डिफरेंट इशूज एंड डिफरेंट टॉपिक्स, ठीक है, तो आपको उस पर मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल डेड जोन, एटलांटिफिकेशन जैसे जो इमर्जिंग कंसेप्ट हैं, तो उस पर अगर आप YouTube में सर्च करते हैं तो यू कैन सी माई लेक्चर्स, ठीक है। अगेन आई क्वालिफाइड एग्जाम्स लाइक नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट एंड जूनियर रिसर्च फेलोशिप, डिड एम ए इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, बी टेक इन बायोटेक्नोलॉजी, ऑल्सो गिव यूपीएससी इंटरव्यू 3 IAS मेंस एंड RS मेंस। तो कुछ आपको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि अगर आप कोई भी अगर आप कोर्स करते हैं तो हमारा जो अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन है जिसमें मेरे भी बहुत सारे कोर्स रन हो रहे हैं ऑलरेडी, जो इंडियन ज्योग्राफी है मैपिंग के थ्रू वो मैं ऑलरेडी करा रहा हूँ, उसमें
हमने रिवर सिस्टम, माउंटेन पीक्स, डैम्स, वाटरफॉल्स, क्रॉप्स का डिस्ट्रीब्यूशन, सॉइल का डिस्ट्रीब्यूशन, वेजिटेशन, इंडस्ट्रीज, मिनरल्स, ये सारी चीज़ों को मैंने ऑलरेडी कवर कर लिया है. ऑलमोस्ट हमारी 10 क्लासेस हो चुकी हैं, 4 क्लासेस बची हुई हैं. तो ठीक है, तो अगर आपको ज्वाइन करना है क्लास को तो आप इस पांडे 10 जो ये रेफरल कोड है उसका उपयोग कर सकते हैं. 9 तारीख से एक नया कोर्स लॉन्च होगा, क्रैश कोर्स ऑन एग्रीकल्चर फॉर जनरल स्टडीज. एग्रीकल्चर एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आप ये कहिए कि हम उसको इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, जनरल स्टडीज़ में उसको इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं. या तो हम एनवायरनमेंट के अंदर एग्रीकल्चर को पढ़ते हैं या फिर आप ज्योग्राफी के अंदर एग्रीकल्चर को पढ़ते हैं, और दोनों में ही आप जो स्पेशलाइजेशन एग्रीकल्चर में रिक्वायर्ड है ना, क्योंकि प्रीलिम्स में देखिए 5-6 प्रश्न पूछे जाते हैं, मेंस में 40 मार्क्स के ऑलमोस्ट जो है जीएस पेपर 3 में आपके प्रश्न आ रहे हैं. आप लगातार पेपर मेंस के उठा के देखें तो एग्रीकल्चर से लगातार प्रश्न जो है उठकर आ रहे हैं, और अभी तक कोई इतनी अच्छी कोई भी किताब नहीं है जो उन टॉपिक्स को कवर करे. तो मेरा प्रयास है कि एग्रीकल्चर को प्री और मेंस दोनों प्रोस्पेक्टिव से कवर किया जाए, चाहे आप 2019 की प्रिपरेशन कर रहे हैं या 2020 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप जो है इसको ज्वाइन कर सकते हैं और पांडे 10 इस रेफरल कोड का उपयोग कर सकते हैं. 9 तारीख से कोर्स जो है स्टार्ट होगा, 9 मई से ये कोर्स स्टार्ट होगा, 10 बजे से 12 बजे, है ना, 12 PM जो है ये कोर्स, 12 AM रात को 10 से 12 बजे के बीच में है. और फिर इंटरनेशनल रिलेशन पर भी कई सारे ऑलरेडी एक कोर्स मेरा पब्लिश हुआ ही है, एक कोर्स और इंटरनेशनल रिलेशन पे आएगा जिसमें हम इन जनरल जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं और इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंपॉर्टेंट ट्रीटीज हैं, एसोसिएशंस, ग्रुपिंग्स, और इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन सभी को मैं इस कोर्स पर करूंगा. ये भी 9 मई से स्टार्ट होगा 7 बजे से, ठीक है. तो अगेन आप पांडे 10 PANDEY10 पांडे 10 इस रेफरल कोड का उपयोग करके इस कोर्स में एनरोल करा सकते हैं. तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, हम शुरू करते हैं आज की जो हमारा सेशन है उससे रिलेटेड, ठीक है. तो पहले हम नॉर्थ अमेरिका के जो इंपॉर्टेंट माउंटेन्स है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं. नॉर्थ अमेरिका के जो इंपॉर्टेंट माउंटेन्स हैं उसको एक बार थोड़ा सा नज़र दौड़ा लेते हैं, और फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा बेसिक ज्योग्राफी समझ लेते हैं. बेसिक ज्योग्राफी यहाँ पे कहने का मतलब है इन जनरल कि आपको देश के बारे में पता होना चाहिए, है ना. जैसे इस रीजन को अलास्का कहते हैं, आपको पता होना चाहिए ये यूएसए का पार्ट है. जैसे अगर नॉर्थ अमेरिका में कोई कहता है ऊपर साइड आपको जाना है, तो आप इन जनरल है ना, आप सोचते हो कि सारा इलाका जो है वो कनाडा है, बट ये पोर्शन आपका कनाडा है, यहाँ पे जो अलास्का का रीजन है दिस इज पार्ट ऑफ यूएसए. ये छोटा सी चीज है जो आपको ध्यान रखनी है ना, क्योंकि जब आप माउंटेन्स करते हो, है ना, माउंटेन्स जैसे माउंट मैकेंजी, ठीक है, तो उससे आपसे पूछेगा माउंट मैकेंजी कहाँ लोकेटेड है, इज इट लोकेटेड इन कनाडा, ठीक है, इज इट लोकेटेड इन कनाडा और इज इट लोकेटेड इन यूएसए, ठीक है. तो अगर वो अलास्का रीजन में माउंट मैकेंजी लोकेटेड है ये तो, है ना, या दूसरे माउंटेन्स जो है, या माउंट लोगान है, अलग अलग जो माउंटेन्स जो आगे हम डिस्कस करेंगे, तो उनकी किस कंट्री में लोकेशन है ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, ठीक है, या फिर किस कॉन्टिनेंट में है. जैसे सिंपल सी चीज पूछते देखते हैं कि माउंट एटलस जो है ये यूपीएससी ने पूछ रखा है, बहुत आसान सा प्रश्न है, और यहाँ पे यूपीएससी ने ये नहीं पूछा कि किस कंट्री में माउंट एटलस लोकेटेड है, यूपीएससी ने पूछा कि किस कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है. तो आपको बहुत डिटेल में नहीं जाना है, है ना, उसको आपको ऐसे नहीं करना है कि किस शहर के बगल में वो माउंटेन लोकेटेड है, इतना डिटेल में आपको प्रीलिम्स में नहीं करना है. हाँ, जिसका ज्योग्राफी ऑप्शनल है उनको थोड़ा सा ध्यान देके, क्योंकि आपको थोड़ा बहुत लिखना भी पड़ता है, तो वहां पे आपको थोड़ा सा कुछ डिटेल्स मेंशन करनी पड़ती है. लेकिन जब आप जीएस की बात करते हैं, जीएस में बेसिक नॉलेज आपको सिर्फ इतना होना चाहिए कि अगर हम किसी भी माउंटेन्स की बात कर रहे हैं, उस माउंटेन एप्लेचियन की अगर आप सपोज मैं बात करता हूं, तो आपको बस बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि एप्लेचियन माउंटेन कहां पे है, एंडीज माउंटेन्स किस कॉन्टिनेंट में, रॉकीज माउंटेन्स किस कॉन्टिनेंट में है. तो ये अप्रोच आपको फॉलो करना है. अगर आप इस अप्रोच को फॉलो करेंगे तो इसका सबसे बड़ा जो आपको बेनिफिट है वो ये है कि आपका कवरेज एक्सटेंड हो जाएगा, है ना. इसका क्या मतलब हुआ, जैसे अगर आप एक माउंटेन आपने उठाया रॉकीज, अब उस रॉकीज पर आपने पूरी रिसर्च कर ली जो आपको जरूरत नहीं है, तो आपको जरूरत क्या है कि आप रॉकीज भी करो, एप्लेचियंस भी करो, है ना, दूसरे जो माउंटेन मैकेंजी भी करो, एंडीज भी करो, एटलस भी करो, और चाहे इंडिया के जो भी माउंटेन्स है, अजंता है, है ना, अजंता है, विंध्या है, सतपुरा है ना, पटकई बम है, और साउथ में इतने सारे माउंटेन्स है, सेबराय, जवाडी, या अलग अलग जो माउंटेन्स है, जो भी अभी जो मेरा कोर्स चल रहा है उसमें हम इस चीज को बहुत डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है. तो कहने का मतलब है कि आपको अपनी जो जो आपको कवरेज है वो कवरेज को आपको लगातार थोड़ा सा बढ़ाना है, और हमें बहुत डेप्थ में नहीं करना, क्योंकि प्रीलिम्स में
जो है सिंपल सा प्रश्न यही पूछ सकते हैं, या तो मैच द फॉलोइंग पूछ लें या सिंपल सी चीज पूछ लें कि ये माउंटेन कहाँ पे लोकेटेड है। तो इस प्रकार का जो अगर यूपीएससी अप्रोच रख रहा है तो हमें भी अपनी स्टडी उसी प्रकार से करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप याद रखो, ये पोर्शन आपका कनाडा है, ये पोर्शन आपका यूएसए है, ये पोर्शन आपका मैक्सिको है, ठीक है। ये जो इलाका है आपका, ये जो आप देख रहे हैं, ये आपका पैसिफिक ओशियन है ना, ये आपका अटलांटिक ओशियन है। ये बेसिक ज्योग्राफी है ना, ये बेसिक ज्योग्राफी है। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम इस पे भी थोड़ी बहुत जो गलती कर देते हैं, थोड़ी बहुत जो मिस्टेक है हमसे हो जाती है। जैसे यूपीएससी ने आपसे पूछा कि, आपसे सिंपल सी चीज पूछा कि इसराइल और फिलिस्तीन का जो इलाका है वो पूरे तरीके से न्यूज में है, ठीक है। इसराइल और फिलिस्तीन की अगर आप बात करें तो ये हमेशा से न्यूज में होता है, और इससे सिंपल सी चीज आपसे पूछ ले कि कौन सी कंट्रीज जो है कोस्टल बॉर्डर मेडिटेरेनियन सी के साथ रखती हैं। ये बहुत सिंपल सी चीज है, बट आपसे गलती हो सकती है। इसी प्रकार जो है कैस्पियन सी, जो कि अगेन एशिया में है, ये हम अभी नॉर्थ अमेरिका की बात कर रहे हैं, बट अगर आप एशिया में देखें कैस्पियन सी, तो कैस्पियन सी ट्रीटी साइन हुई है, ठीक है। अगर कैस्पियन सी ट्रीटी साइन हुई है तो यहाँ पे क्या है, कैस्पियन सी रीजन आपका न्यूज में आ जाएगा, और उसके चारों तरफ कौन सी कंट्रीज जो है वो आप जरूर देखो, है ना। कैस्पियन सी के शायद जो ट्रीटी है उसके प्रोविजंस आप मिस कर सकते हो, लेकिन बेसिक जो ज्योग्राफी है उसको आपको मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो इलाका न्यूज में है। इसी प्रकार कोई सबमिट होती है, जैसे अगर नाम सबमिट है, वो नाम सबमिट आपकी बाकू अजरबैजान जो है वहां पे अगर होनी है, तो अजरबैजान को कौन कौन सी कंट्रीज सराउंड करती हैं या कौन कौन सी कंट्रीज जो है उसका बॉर्डर बनाती हैं, वो आपको जरूर करना चाहिए। तो इस प्रकार का जो अप्रोच है वो आपको ध्यान रखना है, और इसी प्रकार का अप्रोच को हम फॉलो करके हम अपना अभी का आज का सेशन करेंगे। तो देखिए, अगर ये जो मैप है हैंडमेड मैप्स हैं, क्योंकि मैं हमेशा ये प्रयास करता हूँ, जो मेरा कोर्स भी चल रहा है मैपिंग से रिलेटेड, है ना, इंडियन मैपिंग जो मैं करवा रहा हूँ अभी, तो उस पर भी जो मैप्स दिए जा रहे हैं, चाहे बायोस्फीयर रिजर्व से रिलेटेड हो, माउंटेन से रिलेटेड हो, रिवर से रिलेटेड हो, किसी भी मतलब एरिया को अगर आप मैप के ले लें, चाहे इंडस्ट्रीज हो, मिनरल्स हो, वो बेसिकली जो रफ स्केच है उसी का मैं उपयोग करता हूँ, स्लाइड्स का उपयोग नहीं किया जाता, क्योंकि फाइनली आपको ऐसे ही मैप्स में या तो मार्क करना है, या फिर आपको अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए ऐसे ही मैप में जो है आपको मार्क करके याद भी करना है। स्लाइड्स जो है आपको इतनी मदद नहीं कर पाएंगी, क्योंकि फाइनली एक तो कंफ्यूजन भी आएगा, और उस स्लाइड्स को आप उस तरीके से ड्रॉ नहीं कर सकते हो, ठीक है। अब इस मैप को जो है अगर हमने समझ लिया, अपने हाथों से इसको ड्रॉ कर सकते हैं, है ना, आपको जैसे पता है कि ये अलास्का है, ये कनाडा है, ये यूएसए है, ठीक है, ये मैक्सिको है, ये आपका अटलांटिक ओशियन है, ये आपका जो है पैसिफिक ओशियन है, ठीक है। तो जब हम माउंटेन्स की बात करते हैं, अलग अलग माउंटेन्स की बात करते हैं, तो आप इजिली उसको खुद से मार्क कर सकते हो, बेस्ट चीज ये होती है, ठीक है। और इन जनरल जो है ये चीज आपको काफी समय तक याद रहेगी, क्योंकि मैपिंग एक ऐसी चीज है, जब तक आप खुद से ड्रॉ नहीं करेंगे आपको याद नहीं होगा, ठीक है, आपको याद नहीं होगा, क्योंकि मैपिंग में आपको हजारों चीजें करनी होती हैं, और आपको रिमेम्बर भी करना होता है। और मैपिंग का जो उपयोग है वो सिर्फ मैपिंग से ही रिलेटेड नहीं है, उसका उपयोग चाहे इंटरनेशनल रिलेशन हो जाए, चाहे डिजास्टर मैनेजमेंट हो जाए, चाहे इंटरनल सिक्योरिटी हो गया, ऐसे जो मेंस के टॉपिक हैं वहां पे भी इनका उपयोग बहुत अधिक होता है। अगर आपको मैपिंग का बहुत अच्छा नॉलेज है तो इनमें आप बहुत अच्छा एज ले सकते हैं। तो इसके लिए अगर आपको इनका उपयोग, जो एप्लीकेशन जो है मैपिंग का, अगर आपको दूसरे सब्जेक्ट में करना है, तो आपको सबसे पहले अपने आप को ये जरूर कन्विंस करना होगा कि मैपिंग को आप खुद ड्रॉ करेंगे, अलग अलग चीजों को जो है खुद ड्रॉ करेंगे। एक बार टाइम लगेगा, ये मैं नहीं कह रहा हूं कि टाइम नहीं लगेगा, एक बार जरूर टाइम लगेगा, ठीक है, उसमें भी इतना ज्यादा टाइम नहीं, क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी ये सब चीजें प्रोवाइड कर रहा हूं, आपको खुद से एक बार मार्क करके कर लेना है। तो एक बार अगर जो है आप समय दे देते हैं, है ना, जैसे अगर आप इंडिया को पढ़ रहे हैं तो 15-20 घंटे जो है आपने दे दिया, या आप वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो फिर आप 15-20 घंटे अगर आपने दे दिया, उसके बाद जो है आपने जो अपने हाथ से मैप ड्रॉ किया है वो आपको फिर कभी भूलेगा नहीं। मतलब ये अगर आप मैप ने उठा के और आपने जो है इस प्रकार से ड्रॉ कर लिया है तो आपको कभी भी चीजें भूलेंगी नहीं। तो ये सभी से मेरा रिक्वेस्ट है, एक बार जरूर थोड़ा सा एफर्ट लगेगा, बट जरूर इस प्रकार का अप्रोच जो है वो फॉलो करें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। नॉर्थ अमेरिका के जो माउंटेन्स है, जो इंपॉर्टेंट माउंटेन्स है नॉर्थ अमेरिका के, अलग अलग हैं, और मैं उनके लोकेशंस आपको बताऊंगा, ठीक है। और ये जो माउंटेन्स हैं आपको सिर्फ इतना याद रखना है, ठीक है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि ये माउंटेन्स आपका किस पार्ट में लोकेटेड है नॉर्थ अमेरिका के, ठीक है। तो आपका पहला जो माउंटेन है वो है अलास्का रेंज, ठीक है, अलास्का रेंज। तो अगर आप इस मैप में देखें तो ये जो आप माउंटेन्स देख रहे हैं, अलास्का, ये जगह भी अलास्का है, यूएसए का हिस्सा है ये,
और ये जो माउंटेन अगर आप देख रहे हैं ये बेसिकली आपका जो माउंटेन है ये है अलास्का। इन जनरल आपसे कैसे पूछेगा, अलास्का के सामने लिख सकता है वो कनाडा, ठीक है, अलास्का के सामने लिख दिया कनाडा तो क्या होगा, गलत है, ठीक है। आपसे बोलेगा कि अलास्का के सामने अगर आपका लिख दिया इन जनरल आपसे यूएसए लिखता है तो ये सही है, मैच द फॉलोइंग जो है पूछा जा सकता है। नेक्स्ट अगर देखें, नेक्स्ट जो मैप है आपका वो है ब्रुक्स रेंज। नेक्स्ट जो आपका रेंज है ध्यान रखिए, पहला हमने किया अलास्का, दूसरा है ब्रुक्स रेंज, ब्रुक्स, ठीक है, ब्रुक्स रेंज अगर आप बात करें तो दो नंबर है ना, तो ये जो इलाका है ये माउंटेन अगर आप देखें तो ये आपका जो है ये है ब्रुक्स रेंज, तो ये भी आपका अलास्का वाले रीजन में है। अब यहां पे देखो आप रिलेटिव पोजीशंस को भी नोट करो, जैसे जब भी हम मैपिंग पढ़ते हैं तो सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि आपको रिलेटिव पोजीशंस भी थोड़ा सा पता होना चाहिए। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आसान सा है जो आपको थोड़ा सा हेल्प करेगा समझने में। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया का एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है, इंडिया का छोटा सा एग्जांपल है, जैसे आपका विंध्यन रेंज है और सतपुरा रेंज है, ठीक है, और ठीक है तो विंध्यन रेंज और सतपुरा रेंज के बीच में एक नदी बहती है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं नर्मदा, ठीक है, आपका विंध्यन रेंज है और फिर आपका जो है सतपुरा रेंज और बीच से जो नदी बह रही है उस नदी का नाम है नर्मदा, और बीच से मतलब सतपुरा के नीचे से जो नदी बह रही है उसका नाम है तापी रिवर, ठीक है, और सतपुरा और इस तापी रिवर है ना, सतपुरा के नीचे जो रिवर बह रही है, सॉरी सतपुरा जो रेंज है उसके नीचे जो रिवर बह रही है उसका नाम है तापी, और तापी के नीचे जो माउंटेन्स है उसका नाम है अजंता। तो ये क्या है, ये रिलेटिव पोजिशन है। तो जब आप खुद से ड्रॉ करके एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लेंगे तो आप बहुत अच्छे तरीके से इस रिलेटिव पोजीशंस को समझ सकते हैं, और यूपीएससी ऐसे प्रकार के प्रश्न आपसे पूछती है ना, जैसे अगर आपसे मतलब इन जनरल अगर आपने रिवर सिस्टम भी पढ़ा है तो आपसे कहेगी एक रिवर ऐसे आ रही है, दूसरी रिवर ऐसे आ रही है, वो एक जगह पे मिल रही है, उस जगह का नाम क्या है, तो ये कैसे आप डिराइव करोगे जब आपने खुद से ड्रॉ किया है। तो ऐसी चीजें मैं अपने कोर्स में लगातार जो है कवर कर रहा हूँ, तो अगर आप में से कोई भी जो है तो उसको आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड जो है कुस्कोविन जो है, कुस्कोविन एक माउंटेन है, थर्ड नंबर का जो आपका माउंटेन है कुस्कोविन, तो यहाँ पे अगर आप देखें कुस्कोविन, ठीक है, तो यहाँ पे इसी प्रकार का अगर कोई रिवर है ना, तो वो फिर एक प्रकार से रिलेटिव पोजीशन आपको याद रखनी है, साथ में चाहे वो अलास्का हो, ब्रुक्स हो या कुस्कोविन है, कुस्कोविन, ये तीनों का जो रिलेटिव पोजीशन भी आपको याद रखना चाहिए। जैसे ये वेस्टर्न मोस्ट पोर्शन है, ये वेस्टर्न मोस्ट पोर्शन है, ये नदर्न साइड है, ठीक है, और ये इसके नीचे है, ठीक है, तो इन तीनों का जो रिलेटिव पोजीशन है वो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आप देखें माउंट मैकेनली, माउंट मैकेनली, मैकेनली बहुत फेमस है, ठीक है, माउंट मैकेनली आपका कहाँ लोकेटेड है, तो आपका माउंट मैकेनली अलास्का वाले रीजन में ही लोकेटेड है, और ये है, ठीक है, तो आपका अलास्का रेंज हो गई, ब्रुक रेंज हो गई, ठीक है, और उसके बाद आपका जो ध्यान देखें तो ये मैकेनली हो गई, ठीक है, और जो इससे पहले वाला था वो कुस्कोविन था। नेक्स्ट देख लें आपका मैकेंजी, मैकेंजी माउंटेन्स कहाँ पे है, मैकेंजी माउंटेन्स कहाँ पे है, ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है। तो मैकेंजी माउंटेन्स को अगर आप थोड़ा सा देखें है ना, स्क्रीन थोड़ा फुल करके रखें जिससे थोड़ा सा आइडिया रहे आपको, ठीक है, तो ये माउंटेन्स जो हमने अभी तक किए हैं ये आपका यूएसए में है, ठीक है, और ये अब आप कनाडा वाले को देखें तो ये आपका पांच नंबर का ये जो इलाका दिख रहा है ना, तो ये जो है आपका माउंटेन, इसका नाम क्या है, इसका नाम माउंट मैकेंजी है। यहाँ पे अगर आप देख लें ये फिफ्थ नंबर का जो माउंटेन है माउंट मैकेंजी, ये माउंटेन्स जो है ये आपका कनाडा में लोकेटेड है। इसके बाद नेक्स्ट है माउंट लोगान, माउंट लोगान, ठीक है, माउंट लोगान की अगर आप बात करें तो आपका जो माउंट लोगान लोकेटेड है, दिस इज माउंट लोगान है ना, तो माउंट लोगान इज अ माउंटेन विच इज लोकेटेड नियर बॉर्डर बिटवीन यूएसए और कनाडा। जब भी हम बॉर्डर की बात करते हैं तो आपको ये नीचे वाली लाइन याद आती है, ठीक है, कि भाई बॉर्डर जब हम कह रहे हैं इट मीन्स दिस इज कनाडा एंड दिस इज यूएसए एंड हियर यू हैव अ बॉर्डर, ठीक है, यहाँ पे बॉर्डर है तो इसका मतलब ये यहाँ कहीं लोकेटेड होगा जब हम बॉर्डर की बात करेंगे कनाडा और यूएसए की, लेकिन ये भी यूएसए का पोर्शन है तो हम कहेंगे यहाँ भी अगर ये माउंट लोगान लोकेटेड है इसका मतलब ये एक काइंड ऑफ हम कह सकते हैं कि यूएसए और कनाडा के बॉर्डर में लोकेटेड है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, तो अभी तक हमने कितने कर लिए, छह कर लिए। नेक्स्ट देखते हैं माउंट सॉरी रॉकी माउंटेन्स, आपके रॉकी माउंटेन्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट माउंटेन्स है ना, ये एक माउंटेन रेंज है, ठीक है, ये इस तरीके से आ रही है ना, ये माउंटेन रेंज है, ये जो आप देख रहे हैं ये पूरी जो है थोड़ा और क्लोज है, ये है ना, ये कोस्टल इलाके में थोड़ा सा और है, ये इस तरीके से आप मानिए है ना, तो ये आपकी क्या है, ये आपका रॉकी माउंटेन्स है, रॉकी माउंटेन्स है। अब देखो ये भी फोल्ड माउंटेन्स है, जैसे हमारे हिमालयस जो है वो फोल्ड माउंटेन्स है,
ठीक है, और जो है अगर आप बात करो तो रॉकी माउंटेन्स भी फोल्ड माउंटेन्स है। अब देखो यहाँ पे एक तो प्री में तो सिंपल सा रॉकी माउंटेन्स पूछेंगे, बट मुझे नहीं लगता प्री में रॉकी माउंटेन्स पूछेंगे क्योंकि बहुत आसान प्रश्न है, बट अगर पूछ लिया तो किसी का गलत नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे मेंस में पूछते हैं प्रश्न, ठीक है। मेंस में मैंने अपने कुछ लेक्चर्स में प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बारे में चर्चा की हुई है, बहुत डिटेल में समझाया है, ठीक है। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्या है इसको बहुत डिटेल में मैंने समझाया है। तो जो ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है उसमें मैंने आपको समझाया था कि जब भी किसी माउंटेन्स का फॉर्मेशन के बारे में पूछे, जैसे आपसे कोई पूछे कि रॉकी माउंटेन्स कैसे बनते हैं, तो आपको सिर्फ दो प्लेट्स के नाम याद रखने हैं, एक आपका पैसिफिक प्लेट है और दूसरा नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है, और दोनों के बीच में जो ये हम कह सकते हैं एक दो दोनों प्लेट्स आपस में टकरा रही हैं, उस वजह से ये माउंटेन्स फॉर्म हो रहे हैं। ये मैंने बहुत ही लेमन लैंग्वेज में बोला है, इसका थोड़ा टेक्निकल भी एक्सप्लेनेशन है, ठीक है, बट अभी क्योंकि हम माउंटेन्स कर रहे हैं इसलिए इस पर अभी डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट आपका है कोस्ट रेंज। नेक्स्ट जो माउंटेन है उस माउंटेन का नाम है कोस्ट रेंज, ठीक है। लोगान कर लिया, रॉकी माउंटेन्स कर लिया, और ये जो है इस माउंटेन का नाम है कोस्ट रेंज, ठीक है। दिस इज कोस्ट रेंज, ठीक है। तो कोस्ट रेंज की अगर आप बात करें तो कोस्ट रेंज जो है आपका ये यहाँ पे लोकेटेड है, ये आपको जो दिख रहा है दिस इज कोस्ट रेंज, ठीक है। तो आपको एकदम ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट वही एकदम पिन पॉइंट करके आपको पूरी चीजें पता होनी चाहिए, एटलीस्ट थोड़ा सा आप इमेजिन करो कि ये कनाडा है, ठीक है, ये कनाडा का इलाका है, और बेसिकली अगर आप ध्यान दें तो कनाडा के अगर आप वेस्टर्न पोर्शन में देखें तो आपका कोस्ट रेंज आपको दिखता है। इतना आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, बहुत डिटेल में आपको नहीं जाना है कि एक है ना जीपीएस टाइप आपको जो है ना कि पता नहीं होना चाहिए कि यहाँ से मुड़ रहा है वहाँ से, ऐसा इतना नॉलेज होने की जरूरत नहीं है, इतना डिटेल आपको नहीं करना, बस एक आइडिया होना चाहिए कि जब कोस्ट रेंज की हम बात करते हैं तो कोस्ट रेंज आपका कनाडा में लोकेटेड है। नेक्स्ट देख लेते हैं वेडिंगटन, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो माउंटेन है उसका नाम है वेडिंगटन, ठीक है ना, वेडिंगटन, WADINATON, वेडिंगटन, ठीक है। तो आपका यहीं पे कोस्ट रेंज के बगल में ही एक पीक है, उसका नाम वेडिंगटन है। ये जो दिख रहा है आपको यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे आपका जो है वो है वेडिंगटन, ठीक है। ये बेसिकली क्या है, वेडिंगटन, याद रखिए वेडिंगटन, है ना। इस तरीके से थोड़ा कहीं पूछ लिया तो थोड़ा सा याद रहना चाहिए। नेक्स्ट देखो रेनर हिल, ठीक है, RAINER, रेनर हिल आपका कहाँ पे लोकेटेड है अगर आप देखें तो रेनर हिल आपका है ना, रेनर हिल आपका यूएसए में लोकेटेड है ना, ये रेनर नाम है इसका, और ये आपका जो है रेनर है, वेडिंगटन जो है यहाँ पे है, रेनर आपका ये है, कोस्ट रेंज ये है आपकी, ठीक है। तो वेडिंगटन के नीचे आपका जो ये यूएसए में जो है इसका नाम रेनर है, रेनर, RAINER। कैस्केड रेंज है ना, ये जो अगर आप 11th नंबर का देखें तो दिस इज कैस्केड रेंज, ठीक है, दिस इज कैस्केड रेंज, ये जो है आपका ये कैस्केड रेंज है। तो अगर आप कैस्केड रेंज को देखें तो कैस्केड रेंज आपका जो है 11th नंबर है, तो कैस्केड रेंज अगर आप देखें तो ये आपकी जो ये जो ये दिख रहा है इसका नाम कैस्केड है, CASCADE, कैस्केड रेंज, दिस इज कैस्केड रेंज। तो देखो कोस्ट रेंज, कैस्केड रेंज, ऐसे याद रखना है, वेडिंगटन, रेनर, ठीक है। उसके बाद आपका जो है वो माउंट हुड, ठीक है, माउंट हुड, ठीक है ना, माउंट हुड है, ये याद रखो माउंट हुड, ठीक है, HOOD, माउंट हुड। तो अगर माउंट हुड की अगर आप बात करते हैं तो आपका माउंट हुड ये लोकेटेड है, यहाँ दिख रहा है, देखो है ना प्यारा सा, मतलब पूरा तो फोटो नहीं दिख रही है क्योंकि हमने इसको हाथ से मार्क किया है, ठीक है, माउंट हुड, ठीक है। अब थोड़ा सा इमेजिन करो और आप अपने आप से खुद पूछो, ठीक है, इतने बड़े एग्जाम की प्रिपरेशन आप कर रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे थोड़ा सा आपको हम ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा कुछ चीज़ों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। अब इतने सारे माउंटेन्स जो है आपसे आपको करने हैं, है ना, अभी तो हम सिर्फ नॉर्थ अमेरिका का कर रहे हैं, फिर एक बार एशिया का भी करेंगे, दूसरे कॉन्टिनेंट्स का भी करेंगे। तो अगर आप एक बार खुद इमेजिन करें कि इतने सारे माउंटेन्स हैं, है ना, और उसको अगर आपको याद करना है तो बेस्ट पॉसिबल वे क्या है, बेस्ट पॉसिबल वे यही है कि आप पॉलिटिकल मैप उठा लें और उसमें माउंटेन्स को मार्क कर दें खुद से। इसमें कितना टाइम लगेगा, आपके सामने बने हुए हैं, सामने मैं आपको सब कुछ दिखा रहा हूँ, ठीक है, कितना टाइम लगेगा, हार्डली 20 मिनट्स लगेगा, 20 मिनट्स का एफर्ट है, और उसके बाद क्योंकि आपने अपने हाथ से मार्क किया है तो आपको भूलेगा नहीं, ये आप ये चीज़ खुद से भी जानते हैं, अगर आप कुछ चीज़ खुद हाथ से लिख देते हैं तो आपको याद रहती काफ़ी समय तक, और फाइनली आप कोई भी इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं तो वो आपके बेनिफिट के लिए ही है। तो मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि कल हम जो माउंटेन करेंगे, है ना, कल भी माउंटेन है और एक शायद मैपिंग की ही क्लास होगी इसी समय जो है
तो आप ये समझिए कि आपको ये मैप लेकर जरूर बैठना है, है ना, जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। और इसी प्रकार जो मैं मैपिंग करवा भी रहा हूँ, जो हमारा अभी क्लास चल रही है, ठीक है, जो इंडियन ज्योग्राफी पर जो क्लास चल रही है, तो मेरा फोकस हमेशा से ये रहता है कि शॉर्टकट मत लो, शॉर्टकट लेने की जरूरत नहीं है। जिन चीज़ों को समय देना है उसको समय देना ही चाहिए, ठीक है, थोड़ा सा एफर्ट है लेकिन ये एक तरीके से ऐसा एफर्ट है कि जिसका रिजल्ट आपको परमानेंट मिलेगा। एक बार का एफर्ट लगा के अगर आपने ड्रॉ कर लिया, है ना, मतलब इस तरीके से मार्क कर लिया, 20 मिनट आपने दे दिए, ठीक है, तो फिर आपको जो है एक समय तक याद रहेगा। हार्डली आपको जब भी माउंटेन्स रिवर्स करने हैं तो आपको क्या करना है, सिंपल सा उन्हीं को रिवाइज जल्दी से कर लेना है, ठीक है। नहीं तो अगर आप सिर्फ स्लाइड्स पर ही जाएंगे, जो कलरफुल स्लाइड्स आपको मिलती हैं, तो फिर आप एटलस से ही देख लो, और एटलस से तो कहाँ से याद होता है, या आप खुद इस चीज़ को जानते हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि कल मैप लेकर आप जरूर आएं। नेक्स्ट देखें सस्ता हिल, ठीक है, सस्ता नहीं है, सस्ता हिल, है ना, तो ये आपका नंबर है 13th जो नंबर है सस्ता हिल, तो ये जो है 13th जो आपको दिख रहा है, दिस इज सस्ता हिल, याद रखो दिस इज सस्ता हिल। तो देखो यहाँ पे एकदम एग्जैक्ट लोकेशन भी अगर आपको याद नहीं है तो भी कोई चिंता की बात नहीं है। द थिंग इज दैट यू शुड रिमेंबर दैट सस्ता हिल इज लोकेटेड इन USA। इतनी सी बात अगर आपको याद है तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट देखते हैं सियरा नेवाडा, ठीक है, नेक्स्ट जो है आपका वो है सियरा नेवाडा, सियरा नेवाडा, ये जो आपको दिख रहा है दिस इज सियरा नेवाडा, ठीक है, बहुत बार आपने सुना है, UPSC ने भी कई बार इसको पूछा हुआ है सियरा नेवाडा के बारे में। तो सियरा नेवाडा जब आप कहते हैं तो दिस इज नंबर क्या है इसका, सियरा नेवाडा का 14th नंबर, ठीक है, तो ये अगर आप देखें तो दिस इज सियरा नेवाडा, ये आप याद रखो दिस इज सियरा नेवाडा, जो कि आपको इंपॉर्टेंट है और आपको ध्यान भी रखना है। और ये कोस्ट रेंज जो आ रही है ये इस प्रकार से कोस्ट रेंज आ रही है, नीचे तक है आपकी, ठीक है, इस तरीके से, तो ये पूरी जो है ये कोस्ट रेंज है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इधर जो आपकी जो रेंज है वो कैस्केड रेंज है, कोस्ट रेंज के बाद आपकी कैस्केड रेंज है, जो कि पार्ट है आपके रॉकी माउंटेन्स के, ठीक है, रॉकी माउंटेन्स इस तरीके से है, ठीक है, तो रॉकी माउंटेन्स का ही ये पार्ट है, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखें। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट जो आपका माउंटेन है सियरा नेवाडा कोस्ट रेंज के बाद, पोपो काटापेटी, ठीक है, पोपो काटापेटी हिल्स जो है ये भी इंपॉर्टेंट है, 16th नंबर पोपो काटापेटी, UPSC में पूछा हुआ है मैच द फॉलोइंग में कि पोपो काटापेटी जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है। तो अगर आप इस मैप में देखें पोपो काटापेटी, तो ये कहाँ लोकेटेड है, ये मैक्सिको का जो ये है, ये दिस इज पोपो काटापेटी। तो आपको सिर्फ याद रखना है कि पोपो काटापेटी जो है वो किस जगह पे लोकेटेड है, तो आपको याद रखना है कि इट इज लोकेटेड इन मैक्सिको, सिर्फ इतनी सी चीज याद रखनी है कि इट इज लोकेटेड इन मैक्सिको, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट अगर देखें सिटलप, ये जो आपका है 17th नंबर सिटल टेप पेटल पेटी जो है, ये पेटल नहीं है पेटी ही है, है ना, सिटल सिटल टेप पेटी, ठीक है, तो ये भी 17th नंबर जो है ये आपका यहीं पे मैक्सिको पे ही लोकेटेड है, ठीक है, दोनों साथ साथ जो है ये लोकेटेड है, ये आपको ध्यान रखना है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने काफ़ी सारे जैसे माउंटेन्स, हमने लगभग 17 माउंटेन्स जो है हमने कर लिए हैं, तो आपको इनकी लोकेशन जो है वो थोड़ा सा जरूर याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं ब्लैंक पीक, ब्लैंक पीक, ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है दिस इज ब्लैंक पीक, दिस इज ब्लैंक पीक, ठीक है, दिस इज ब्लैंक पीक, ये ब्लैंक पीक है। अगर आप देखें तो अगर इसकी लोकेशन देखें तो पहली चीज अगर आप ये सिर्फ इतना देखें कि ये आपका USA है और ये आपका ब्लैंक पीक है, ठीक है, USA में ही आपका ब्लैंक पीक लोकेटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखो दिस इज ब्लैंक पीक, ब्लैंक पीक जो है यहाँ पे USA में लोकेटेड है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट आपका एल्बर्ट है, थोड़ी स्पीड ज़्यादा है लेकिन इसको आप जो है बाद में पॉज करके भी देख सकते हैं, क्योंकि हमें इस सेशन में काफ़ी सारे माउंटेन्स करना है, ठीक है, बट जो भी क्लास होती है उसमें थोड़ा हम मेंटेन रखते हैं चीज़ों को। तो यहाँ पे आप सभी से रिक्वेस्ट है, क्योंकि यहाँ सामने ही आपका लिखा हुआ और आपको मैप पे मैं दिखा रहा हूँ, तो आप जो है जब अगर आपको नहीं समझ में आया तो बाद में YouTube में ही आप जो है इसको रिवाइंड करके देख लें, मतलब एक बार दोबारा से देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका एल्बर्ट है, ये भी पूछा हुआ है UPSC ने, तो एल्बर्ट अगर आप देखें तो ये आपका एल्बर्ट है, ठीक है, दिस इज एल्बर्ट, ये इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखना है, दिस इज एल्बर्ट। तो एल्बर्ट आपका कहाँ पे है, आपका एल्बर्ट लोकेटेड है, इट इज़ इन USA, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया ये दिस इज कैनाडा, दिस इज कैनाडा, दिस इज USA एंड दिस इज मैक्सिको, ठीक है, कैनाडा USA एंड मैक्सिको, ये तीन चीज़ें हमने डिस्कस ऑलरेडी हमने कर ली है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगर आप देखें रॉबिन्सन, रॉबिन्सन अगर आप देखें दिस इज रॉबिन्सन, 20th इज रॉबिन्सन,
ठीक है, तो रोबिंसन अगर आप देखें कि कहाँ लोकेटेड है, इट इज लोकेटेड इन कनाडा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान रखना है कि इट इज लोकेटेड इन कनाडा, रोबिंसन इज लोकेटेड इन कनाडा, अगेन काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कैरीबाओ, कैरीबाओ माउंट्स कहाँ पे लोकेटेड है, सी ए आर आई बी ओ यू, कैरीबाओ माउंट्स जो है वो आपके कहाँ पे लोकेटेड है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो कैरीबाओ माउंट्स अगर आप देखें जो कि आपके कनाडा में ही लोकेटेड है, तो दिस इज कैरीबाओ, ये जो माउंटेन्स यहाँ पे लोकेटेड है, दीज आर कैरीबाओ माउंटेन्स, तो आप याद रखें। नेक्स्ट देख लेते हैं माउंट मिकेल, ठीक है, माउंट मिकेल जो आपका 22nd है, ठीक है, माउंट मिकेल हिल्स अगर आप देखें तो ये आपके कहाँ लोकेटेड है, यहाँ पे ईस्टर्न जो पोर्शन है वहाँ पे आपके माउंट मिकेल जो है ये लोकेटेड है, ये ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये माउंट मिकेल की लोकेशन आपकी जो है यूएसए के ईस्टर्न पोर्शन में है। ब्लू रिज माउंट्स ये सारे तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर कई बार प्रश्न पूछा है, तो माउंट मिकेल आप याद रखो, उसके बाद ब्लू रिज माउंट जब हम बात करते हैं तो ये भी यहीं पे जो यूएसए है उसके ईस्टर्न पोर्शन में ही लोकेटेड है, ठीक है, ये आपको ब्लू रिज माउंट्स दिख रहा है। इसके बाद अगर आप देखें माउंट एप्लेचियन 24 नंबर का है ये माउंट एप्लेचियन माउंट्स जो है, अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 24th जो है आपकी, दिस इज माउंट एप्लेचियन, ये जो है ये माउंट एप्लेचियन, ये पूछ रहा है, कई बार पूछा है, तो आपसे कोई पूछे कि माउंट एप्लेचियन कहाँ पे लोकेटेड है, तो आपको याद रखना है कि माउंट एप्लेचियन इज लोकेटेड इन द ईस्टर्न रीजन ऑफ यूएसए, ठीक है, ये आपको बहुत जरूरी चीज जो है आपको सिर्फ याद रखनी है, एप्लेचियन, ब्लू रिज, ठीक है, मैकेंजी, मिकेल, है ना, तो ये सब आप याद रखें। नेक्स्ट है, नेक्स्ट जो आपका 25th है माउंट एलेघेनी, ठीक है, जो कि 25th आपका माउंटेन है, तो यहाँ पे ही ये माउंट एलेघेनी लोकेटेड है, दिस इज माउंट एलेघेनी, ठीक है, तो दिस इज माउंट एलेघेनी, ये आप याद रखो, यहाँ पे ये लोकेटेड है एलेघेनी, ठीक है, यहाँ पे इसकी स्पेलिंग देखें तो ये है आपका माउंट ALLGHENY। फिर देखते हैं माउंट वाशिंगटन, माउंट वाशिंगटन कहाँ पे है, तो माउंट वाशिंगटन आपका इस इलाके में लोकेटेड है, नॉर्थ ईस्टर्न इलाका यूएसए का जो है वहां पे आपका माउंट वाशिंगटन लोकेटेड है, जो कि अगेन काफी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना, माउंट वाशिंगटन। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो है नॉर्थ डैम जो है, माउंट नॉर्थ डैम आपका जो माउंट है वो यहीं पे लोकेटेड है, माउंट नॉर्थ डैम, ये आपका जो दिख रहा है यहाँ पे आपका माउंट नॉर्थ डैम लोकेटेड है, आप ये कह लीजिए कि ये बेसिकली ये जो इलाका है आपका ये कनाडा का है, तो नॉर्थ डैम जो आपका कनाडा और यूएसए के बॉर्डर में ही एक प्रकार से यहाँ पे लोकेटेड है, थोड़ा सा ध्यान रखें, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं टॉनगाट, ठीक है, टॉनगाट माउंट्स की अगर आप बात करें, टॉनगाट माउंट जो है ये आपके यहाँ पे लोकेटेड है, दिस इज अगेन माउंट टॉनगाट, ये आपका कनाडा का इलाका है, ठीक है, कनाडा का इलाका है, और दिस इज माउंट टॉनगाट, याद रखो दिस इज माउंट टॉनगाट। नेक्स्ट देख लेते हैं माउंट फॉरेल जो कि आपका नेक्स्ट माउंट है, माउंट फॉरेल, यहाँ पे अगर आप देखें माउंट फॉरेल, दिस इज माउंट फॉरेल, ठीक है, माउंट फॉरेल FOREL, दिस इज माउंट फॉरेल, ठीक है, फॉरेल माउंट जो है, तो इसके लिए भी आपको थोड़ा सा जो इम्पोर्टेंट आपको याद रखना है, इनके लोकेशंस भी इस तरीके के माउंटेन्स भी आपसे लगातार पूछे जाते हैं, चाहे माउंट फॉरेल हो, और जो बेसिक पॉइंट आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है वो इन जनरल जो आपका एग्जैक्ट लोकेशन, अगर आपको सिर्फ एग्जैक्ट लोकेशन भी याद नहीं है और आपको सिर्फ यही कुछ चीज़ें याद हैं कि जैसे कि जैसे इन जनरल अगर आप देखें कि जैसे फॉर एग्जांपल कि वो किस इलाके में लोकेटेड है, है ना, तो जैसे फॉर एग्जांपल जब हम माउंट फॉरेल की बात कर रहे हैं तो हमने यूएसए कनाडा तो देख लिया, तो ये जो इलाका है यहाँ भी आप ध्यान रखो कि ये जो आप ये कह सकते हैं ग्रीनलैंड का जो इलाका है, तो यहाँ भी आपके माउंट कई सारे माउंटेन्स प्रेजेंट है, तो माउंट फॉरेल ये भी आते रखो। नेक्स्ट है आपका माउंट गुनबलजॉर्न, ठीक है, गुनबलजॉर्न जो है ये आपका यहीं पे ऊपर ही लोकेटेड है, ये लाइन से 3 माउंटेन्स है ना, ये आप याद रखो। और नेक्स्ट आपका जो माउंट है पीटर मॉन पीक जो है ये भी आपके इसी इलाके में लोकेटेड है, तो इन तीनों के नाम भी आप एक बार जरूर गो थ्रू हो जाएं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं वेस्टर्न सियरा मैड्रे, अब देखो सियरा नेवाडा हमने किया हुआ है इससे पहले, ये वेस्टर्न सियरा मैड्रे है और ईस्टर्न सियरा मैड्रे है, दो तरीके के हैं, एक सियरा नेवाडा हमने देख लिया पहले ही, मैंने आपको बता दिया है, तो आप एक बार पीछे जाके जरूर उस चीज को देखें, ये सियरा मैड्रे है, वो जो हमने डिस्कस किया था वो सियरा नेवाडा था, ठीक है, वो सियरा नेवाडा था और ये है सियरा मैड्रे, याद रखो दिस इज सियरा मैड्रे,
ईस्टर्न सियरा मैड्रे एंड वेस्टर्न सियरा मैड्रे। तो अगर आप सियरा मैड्रे की बात करें, है ना, तो आपके जो सियरा मैड्रे है, तो ये जो है ईस्टर्न और वेस्टर्न सियरा मैड्रे है, दोनों ही आपके मैक्सिको में लोकेटेड है। वहीं अगर नेवाडा की बात करो तो इस इलाके में लोकेटेड है, मैक्सिको में जो लोकेटेड है सियरा मैड्रे लोकेटेड है। याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सियरा मैड्रे कहाँ पे लोकेटेड है। बोथ दीज माउंटेन्स आर लोकेटेड इन मैक्सिको, सियरा मैड्रे, बोथ ऑफ दीज माउंटेन्स आर लोकेटेड इन मैक्सिको। नेक्स्ट देखते हैं सियरा मैड्रे डेल सुर, ठीक है, सियरा मैड्रे डेल सुर, ये भी आपका कहाँ पे लोकेटेड है, मैक्सिको में, ठीक है। सियरा मैड्रे इन जनरल भी अगर आप देखें, ये भी आपका मैक्सिको में लोकेटेड है, ठीक है। तो ये अगर आप लाइन से देखें, आपके ये सारे सियरा मैड्रे के जो ये फॉर्म्स हैं अलग अलग, ये इन जगहों पे आपके मैक्सिको में ही लोकेटेड है। नेक्स्ट अगर आप देखें माउंट चिरिपो, ठीक है, ये जो है ये आपका अगेन कैरेबियन आइलैंड का जो ये कुछ इलाके हैं या नॉर्थ अमेरिका का हम कह सकते हैं, यहाँ पे ये लोकेटेड है, ठीक है, थोड़ा नीचे है माउंट चिरिपो, ये भी थोड़ा याद रखो। लैरेमी माउंट्स, ठीक है, ये जो आपका लैरेमी, फ्रैंकलिन और सेलकिर्क और आउटशिता जो है, ये जो माउंटेन्स अलग अलग हैं, ये भी अगेन यूएसए और कनाडा वाले इलाके में ही लोकेटेड है, है ना। तो जैसे अगर आप देखें माउंट लैरेमी अगर आप देखें, तो आपका माउंट लैरेमी ये लोकेटेड है, यूएसए में लोकेटेड है, ठीक है। उसके बाद अगर आप माउंट फ्रैंकलिन देखें, तो माउंट फ्रैंकलिन आपका ये कनाडा वाले इलाके में लोकेटेड है, कनाडा में, ठीक है। तो यहाँ पे लोकेटेड है माउंट फ्रैंकलिन ऊपर लोकेटेड है, फिर माउंट सेलकिर्क जो है ये आपका यहाँ पे लोकेटेड है, बॉर्डर बिटवीन कनाडा एंड यूएसए। ये एक ऐसा माउंटेन है जो कि यूएसए में भी जा रहा है, कनाडा, दोनों जगहों पे जा रहा है, ठीक है। तो आप याद रखो इस चीज़ को, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, सेलकिर्क भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है माउंट आउचिता, ठीक है, तो ये भी आपका यूएसए में लोकेटेड है। तो हमने नॉर्थ अमेरिका में 40 जो है माउंटेन्स कर लिए, ठीक है, 40 माउंटेन्स हैं। और ये माउंटेन्स जो है, आप ये मानिए कि याद करना इतना आसान नहीं है, है ना। सभी से रिक्वेस्ट है कि आप मैप लेकर एक बार ड्रॉ करें, ठीक है, और आप सभी जो है इस चीज़ को काफ़ी इंजॉय भी करेंगे, है ना। अगर आप 2020 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये काम आप ज़रूर करें, और जो 19 का जिनको एग्ज़ाम देना है तो उनको कुछ सेलेक्टिव माउंटेंस ही करना चाहिए, है ना। जैसे अगर मैं आपको एक बार बता दूं, जो 2020 की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए किन किन माउंटेंस को आपको याद रखना चाहिए, वो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। अलास्का याद रखो, ब्रूक्स याद रखो, कुस्कोविन याद रखो, मैकेनजी, लुगान याद रखो, रॉकी, कैस्केड ये आप याद रखो। उसके बाद जो है कैस्केड आपको याद ही रखना है, सियरा नेवाडा, कोस्ट रेंज आपको याद रखना है, पोपोकाटा पेटी, ब्लैंका, ये आपको इनको याद रखना है, बाकी सबको आप स्किप कर सकते हो। जो 2019 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, आप जो है जो 2019 कर रहे हैं आप, मिकेल, ब्लू रिज, अप्लेचियन, ठीक है, इनको आप याद रखो, बाकी सबको आप स्किप कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक अप्रोच है, साथ में आपको सियरा मैड्रे आपको याद रखना है, ठीक है, और बाकी को आप स्किप कर सकते हो। तो सेलेक्ट अगर आप 40 में से करेंगे, तो जो 2019 की तैयारी कर रहे हैं उन्हें 12-13 माउंटेन्स जो है वो जरूर करके जाना चाहिए, क्योंकि ये इजी क्वेश्चंस होते हैं। मैच द फॉलोइंग या इस टाइप के कुछ भी प्रश्न पूछ लिया और आप वहाँ गलत करके आ जाएंगे, तो फिर बाद में बहुत रिग्रेट होता है, है ना। बहुत आसान सी चीज़ें हैं, एटलीस्ट 10-12 करके चले जाओ, है ना। अगर आप यहाँ पे भी समय दे रहे हैं तो इन्हीं 10-12 को आप नोट डाउन कर लो, भले पूरा नहीं कर पा रहे, लेकिन जो 2020 की कर रहे हैं वो पूरे कर लो, ठीक है। कौन सा पूछ ले हमें नहीं पता है, है ना। हम कहते हैं कि टॉप 100, टॉप 50 ऐसे चीज़ों को हम अप्रोच देखते हैं, बट ये शॉर्टकट वाली चीज़ें होती हैं, है ना। ये ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम एक चांस लेकर चलते हैं कि ठीक है, टॉप 50 क्वेश्चन पढ़ लेंगे, शायद इसमें से कुछ आ जाए। लेकिन आप जब इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं तो आपको शॉर्टकट नहीं लेना है, आपको जो इंपॉर्टेंट कुछ भी एक किताब है या एक कुछ भी चीज़ें हैं उनको आपको करके जाना चाहिए। स्मार्ट स्टडीज़ भी रिक्वायर्ड है, स्मार्ट स्टडी जो आपको करनी है वो इस प्रकार से करनी है कि आप अपने सोर्सेज को बहुत स्मार्टली सिलेक्ट करें, ठीक है। टेक्नोलॉजी का उपयोग अपनी प्रिपरेशन में कर सकते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी का ये मतलब नहीं है कि आप सिलेबस को स्किप करो, सिलेबस तो आपको पूरा करके ही जाना है, है ना। और उसमें हम कुछ भी नहीं कह सकते कि क्या पूछ ले, ठीक है। तो सिलेबस में एटलीस्ट अगर आप करके जाते हो सब कुछ, तो अगर उसमें से प्रश्न आता है तो आप कर सकते हो। जब हम एक सेलेक्टिव चीज़ें ही करके जाते हैं तो उसके आने की पॉसिबिलिटी थोड़ी कम होती है, क्योंकि पेपर सेटर के माइंडसेट को ना आप रीड कर सकते, ना कोई भी बैठा हुआ इंसान इतना आसानी से रीड नहीं कर सकता। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप सिर्फ एक अप्रोच को रीड कर सकते हो,
जो अप्रोच एक होती है उस बेसिस पे कुछ कंक्लूड कर सकते हो और उस बेसिस पे चीज़ों को कर सकते हो, ठीक है। इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने आपको 12-13 जो माउंटेन्स हैं उनको आपको बताया है कि अगर आप 2019 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इनको जरूर करके जाएं, ये आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं ऑस्ट्रेलिया की जो माउंटेन्स हैं उनको थोड़ा सा देख लेंगे, ठीक है। और एशिया में भी बहुत सारे माउंटेन्स हैं, ऑलमोस्ट 40+ हैं, तो वो हम कल कर लेंगे, ठीक है। जो माउंटेन्स है उसको हम कल कर लेंगे, जो बाकी के बचे हुए माउंटेन्स है कल जो सेशन यूट्यूब का होगा 7:30 बजे तो उसको कर लेंगे। तो आप जल्दी से बताएं कि आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है। हाय राजेश, हाय म्यूजिक लवर, यूराल माउंट हम जब एशिया का करेंगे तो हम उसको जरूर करेंगे, ठीक है। चलिए अभी थोड़ा सा देख लेते हैं, नेक्स्ट थोड़ा सा देख लेते हैं ऑस्ट्रेलिया के जो इंपॉर्टेंट माउंटेन्स हैं उनको थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, है ना। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे नॉर्थ अमेरिका ऑस्ट्रेलिया, इनको हम टच नहीं करते हैं, समय नहीं मिलता है या फिर इन पर ज्यादा फोकस नहीं किया जाता है, ठीक है। तो आप याद रखिए कि जब हम ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया के माउंटेन्स को आपको करने के लिए उसकी अलग अलग जगहों के बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे इंडिया में जब हम करते हैं तो इंडिया के जब माउंटेन्स हमें करने होते हैं तो हम क्या करते हैं, इन जनरल किस स्टेट में है वो चीज़ हम जानते हैं। इसी प्रकार अगर आप ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो वट यू शुड रिमेंबर इज द मेन थिंग इज दैट यू शुड रिमेंबर द डिवीज़न, द इन जनरल द एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो जैसे आपका ये जो इलाका है इसको हम कहते हैं नदर्न टेरिटरी, वी कॉल इट एज अ नदर्न टेरिटरी। उसके नीचे को हम कहते हैं साउथ ऑस्ट्रेलिया, ये वेस्ट ऑस्ट्रेलिया, आपके पास क्वींसलैंड है, न्यू साउथ वेल्स है, ठीक है, और फिर आपके पास ये नीचे विक्टोरिया है। तो ये जो डिवीज़न है ये थोड़ा सा आप याद रखो, इतना ही अगर आपको याद रखना है, मतलब अगर आपसे कोई माउंटेन्स के नाम पूछता है तो आपको सिर्फ इतना याद होना चाहिए, एट मैक्स जो पूछा जा सकता है। वैसे तो आपको सिर्फ इतना ही पता हो कि वो माउंटेन ऑस्ट्रेलिया में है तो आपका काम हो जाएगा, क्योंकि इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। बट अगर थोड़ा डिटेल में जा रहे हैं तो आपको थोड़ा सा यही चीज़ देख लेनी है कि क्या वो नदर्न टेरिटरी में लोकेटेड है, क्या वो साउथ ऑस्ट्रेलिया में लोकेटेड है, क्या वो क्वींसलैंड में लोकेटेड है, क्या वो न्यू साउथ वेल्स में लोकेटेड है, या क्या वो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में लोकेटेड है। देखो ऑस्ट्रेलिया बहुत समय से न्यूज़ में है ना, और ये इसलिए न्यूज़ में है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने हीट वेव्स फेस किया है। दिसंबर के महीने 2018 में ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज़्यादा हीट वेव्स आई थी, टेम्परेचर 45 से लेके 48 डिग्री तक पहुंच गया था, और उस वजह से जो वहाँ की वाइल्ड लाइफ है वो काफ़ी अफेक्ट हुई थी, है ना। जैसे कोला पाया जाता है वहाँ पे, कोला है, यूकेलिप्टस के पेड़ जो हैं, बहुत सारे ऐसे जो जीव हैं जो वहाँ पे उससे अफेक्ट हुए हैं, ठीक है, जो हीट वेव ऑस्ट्रेलिया में आई थी। तो इसलिए क्या है, ऑस्ट्रेलिया बहुत न्यूज़ में है। जैसे कोरल जो हैं, जो ग्रेट बैरियर रीफ जो आपको दिखता है यहाँ पे, जो ग्रेट बैरियर रीफ लोकेटेड है यहाँ भी अगर आप देखें तो लगातार इसका इसमें कोरल ब्लीचिंग हो रही है। कोरल ब्लीचिंग की वजह से, कोरल ब्लीचिंग का सिंपल सा मतलब है कि जो कोरल्स के ऊपर जू जेंथली एल्गी है वो पूरे तरीके से खत्म हो रही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, और आपकी ये जिम्मेदारी होती है कि एटलीस्ट जो बेसिक ज्योग्राफी ऑस्ट्रेलिया की आप करके जाएं। हो सकता है प्रीलिम्स में इससे रिलेटेड कुछ भी प्रश्न पूछ ले, बहुत डिटेल में नहीं करना है, बट इन जनरल जो है आपको करना है, जो बेसिक ज्योग्राफी आपको जरूर करके जानी है। चलिए आपको बता देते हैं अलग अलग जो माउंटेन्स हैं ऑस्ट्रेलिया के, जो माउंटेन्स हैं नॉर्थ टेरिटरी में देखो तो आपके पास ये अलग अलग माउंटेन्स हैं जो आपको याद रखने, आपको सिर्फ अगर ये याद है कि सेल्विन, मैकडोनल्ड्स, मसग्रेव, लिबिक, झील, उलारू, बार्कली टेबल लैंड, ये माउंटेन नहीं है, थोड़ा रेस्ट एरिया है, ठीक है, बार्कली टेबल लैंड,
तो ये सारे जो माउंटेन्स है ये बेसिकली नॉर्थ टेरिटरी में लोकेटेड है, मतलब ये जो है ये माउंटेन्स आपके इस इलाके में लोकेटेड है। अगर आपको इतनी बात याद है और इनकी रिलेटिव पोजीशन आपको नहीं पता है तब भी कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन जो 2020 की तैयारी कर रहे हैं उनको डिटेल में एक बार कर लेना चाहिए, ठीक है। अगर आपका ज्योग्राफी ऑप्शनल है तब तो जरूर करके जाना चाहिए, ठीक है। अगर आप सेल्विन रेंज की बात करें, ठीक है, तो आपके सेल्विन रेंज नदन टेरिटरी के, जैसे अगर आप थोड़ा सा ड्रॉ कर दें तो ये आपका सेल्विन रेंज है, दिस इज नदन टेरिटरी, ये नदन टेरिटरी है आपकी, ये पूरी नदन टेरिटरी है और आपका सेल्विन रेंज ये है, दिस इज योर सेल्विन रेंज, ये आपका सेल्विन रेंज है, ठीक है, ये आपका सेल्विन रेंज है। उसके बाद नेक्स्ट देखें मैकडोनल्ड रेंज, ठीक है, मैकडोनल्ड रेंज आपका अगर देखें तो यहाँ पे आपका मैकडोनल्ड्स है, ये आपका मैकडोनल्ड रेंज है, ये जो दिख रहा है दिस इज मैकडोनल्ड रेंज। नेक्स्ट आपका मसग्रेव रेंज, ठीक है, मसग्रेव रेंज जो है ये ऐसे लोकेटेड। अब देखो एक मेरा आपसे सभी से रिक्वेस्ट है कि आप में से कई स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर उसको आप पैरेलल कर लो, पैरेलल करना एक इशू नहीं है, मतलब दोनों स्लाइड्स को एक साथ किया जा सकता है, लेकिन इशू क्या है कि मैप थोड़ा छोटा हो जाएगा, ठीक है, जब मैप अगर छोटा हो जाएगा तो आपको दिखेगा नहीं, इसलिए मैंने क्या किया उसको दूसरी स्लाइड में कर दिया जिससे आपको एटलीस्ट विजिबल रहे आपकी स्क्रीन में, है ना, नहीं तो अगर हमने इसको दोनों को एक साथ कंबाइन कर दिया तो ये मैप काफ़ी छोटा हो जाएगा, फिर चीज़ें आपको विजिबल नहीं रहेंगी, इसलिए मैंने इसको दूसरे स्लाइड में इंक्लूड किया। नेक्स्ट देखें माउंट लिबिग आपका यहीं पे लोकेटेड है, है ना, दिस इज माउंट लिबिग, ये याद रखो। नेक्स्ट अगर आप देखें माउंट झील अगर आप देखें तो ये भी यहीं पास में ही लोकेटेड है, दिस इज माउंट झील। उसके बाद माउंट उलारू, दिस इज माउंट उलारू, ठीक है, माउंट उलारू अगर आप देखें तो हियर यू हैव दिस माउंट उलारू, ठीक है, माउंट उलारू, है ना, तो यहाँ पे आपका माउंट उलारू है, माउंट उलारू भी यहाँ लोकेटेड है। नेक्स्ट जो है आपका बार्की टेबल लैंड की अगर आप बात करें तो ये आपका जो है ये टेबल लैंड जो है ये यहाँ पे लोकेटेड है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप देखें क्वींसलैंड में जो मेजर माउंटेन्स हैं, ठीक है, क्वींसलैंड की अगर हम बात करें तो इसको अगर आप देखें तो हमने यहाँ के इंपॉर्टेंट माउंटेन्स देखे, दिस इज क्वींसलैंड, ये आपका क्वींसलैंड है ना, ये क्वींसलैंड है, ग्रेट बैरियर रीफ आपका यहीं पे लोकेटेड है, ये पास में इसके कोस्टल इलाके में ग्रेट बैरियर रीफ लोकेटेड है, ठीक है। तो जब आप क्वींसलैंड की बात करते हैं तो क्वींसलैंड में अलग अलग इंपॉर्टेंट माउंटेन्स हैं, तो कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं, अलग अलग जो इंपॉर्टेंट माउंटेन्स हैं वो कौन कौन से हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, केप यॉर्क पेनिनसुला, बेलेंडेन, अभी आपको मैं दिखाता हूँ, के आर सिल्स, ग्रिगोरी, ग्रे, वेरीगो, बकलैंड एंड डेनहाम, ठीक है। तो इसको मैं अभी दिखाता हूँ, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की अगर आप बात करें तो ये आपकी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट माउंटेन है, आपको याद रखो ये माउंटेन रेंज है, इस प्रकार से बहुत दूर तक है ये और इसका नाम है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ठीक है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। और पूछे आपसे कोई पूछे कि वेयर इज ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, आपका तुरंत आंसर आना चाहिए कि इट इज लोकेटेड इन क्वींसलैंड। अगर आपको क्वींसलैंड याद नहीं है तो जस्ट टेल कि इट इज लोकेटेड इन ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया में लोकेटेड है। नेक्स्ट देखते हैं केप यॉर्क पेनिनसुला, ठीक है, ये माउंटेन नहीं है, ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है ये जो थोड़ा सा रेस्ट इलाका है ना, जो हॉर्न दिख रहा है जैसे राइनासोरस का हॉर्न होता है ना, इस तरीके का जो ये हॉर्न है ऑस्ट्रेलिया का जो ये हॉर्न है ये केप पेनिनसुला है, याद रखो इस चीज को, ठीक है, दिस इज केप पेनिनसुला। नेक्स्ट है बेलेंडेन हिल्स, ठीक है, जैसे ये आपको दिख रहा है बेलेंडेन हिल्स, ठीक है, बेलेंडेन हिल्स की अगर आप बात करें, बेलेंडेन हिल्स की अगर आप बात करते हैं तो आपका बेलेंडेन हिल्स जो है ये लोकेटेड है, ठीक है, ये बेलेंडेन हिल्स आपका ग्रेट डिवाइडिंग रेंज में ही ये एक प्रकार से हिल्स है जो लोकेटेड है। नेक्स्ट अगर आप देखते हैं ग्रिगोरी रेंज आपसे कोई पूछता है तो ग्रिगोरी रेंज आपका जो लोकेटेड है वो ये लोकेटेड है, ये ग्रिगोरी रेंज आपका इंपॉर्टेंट है। मसग्रेव जो कि आपकी यहाँ पे लोकेटेड है और ग्रिगोरी रेंज आपकी यहाँ पे लोकेटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है और आपको ध्यान जरूर से रखना है ग्रिगोरी रेंज की, ग्रिगोरी रेंज आपकी कहाँ पे लोकेटेड है, क्वींसलैंड में आपकी ग्रिगोरी रेंज लोकेटेड है। नेक्स्ट है ग्रे रेंज, ठीक है, ग्रे रेंज, तो ग्रे रेंज आपका कहाँ पे लोकेटेड है, ये जो आपको दिख रहा है ये आपका ग्रे रेंज है ना, ये भी क्वींसलैंड में इस इलाके में लोकेटेड है, दिस इज ग्रे रेंज, ठीक है, ये ग्रे रेंज है, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखें।
नेक्स्ट अगर आप देखें ग्रे के बाद वेरीगो, वेरीगो जो है आपका वेरीगो अगर आप देखें, ठीक है, वेरीगो जो आपका है तो ये आपका वेरीगो है, ठीक है, दिस इज वेरीगो, ठीक है, दिस इज वेरीगो। और उसके बाद अगर आप नेक्स्ट देखें डेनहाम रेंज, है ना, डेनहाम रेंज अगर आप देखें डेनहाम रेंज, तो आपकी डेनहाम रेंज जो लोकेटेड है वो ये आपकी डेनहाम रेंज है, दिस इज योर डेनहाम रेंज, ये आपकी डेनहाम रेंज है, ठीक है। और ये जो बकलैंड वाला इलाका है वो ये है, ये जो है बकलैंड है, ठीक है, बी यू सी एल ए एन डी, ठीक है, ये बकलैंड है, और बकलैंड, और ये जो है आपकी डेनहाम। तो क्वींसलैंड में जो इंपॉर्टेंट चीजें, अगर आप 2019 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको एग्जाम देना है, तो एक ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कर लो, और एक ग्रे रेंज कर लो, और एक डेनहाम कर लो, ठीक है, ये तीन आप कर लो। और अगर ऑस्ट्रेलियन नॉर्थ की, ये नॉर्दर्न टेरिटरी की बात करना है, तो आपको सिर्फ मैकडोनल्ड्स मसग्रेव और बार्कली टेबललैंड, ये तीन चीजें आप करके जरूर जाना, अगर आप 2019 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने मात्र तीन किया, 2020 की जो कर रहे हैं वो 10 के 10 करके जाओ, ठीक है, क्योंकि अभी आपके पास बहुत समय है, तो आप कर सकते हो, ठीक है। और जो 2019 की कर रहे हैं, तो आपको मात्र इन दोनों को ही करके जाना है, इन तीनों को, मैकडोनल्ड्स मसग्रेव और बार्कली टेबल लैंड। और जैसे मैंने अभी आपको शायद बता दिया है, ये आपको ग्रेट डिवाइडिंग रेंज केपी और ग्रिगोरी, सॉरी ग्रे और डेनहाम, ये आप करके जाओ। नेक्स्ट अगर आप देखें, नेक्स्ट आपका न्यू साउथ वेल्स में, न्यू साउथ वेल्स में जो लोकेटेड है, न्यू साउथ वेल्स में वो कौन कौन से हैं, न्यू इंग्लैंड रेंज, स्नोवी माउंट्स, ऑस्ट्रेलियन एल्प्स, है ना, और ये जो है कॉस्क्यूज का, ठीक है, कॉस्क्यूज का जो है ये भी आप याद रखो, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है कॉस्क्यूज का, ठीक है। और ग्रम्पियंस रेंज, बैरियर रेंज, माउंट, है ना, माउंट राउंड, ठीक है। तो इसमें अगर हम न्यू साउथ वेल्स की बात करें, तो मैंने आपको पहले न्यू साउथ वेल्स दिखा दिया है, ये जो इलाका आपका है ये न्यू साउथ वेल्स का है, ये पूरा जो यहाँ से लेके ये जो आपको दिख रहा है ये आपका न्यू साउथ वेल्स है, ठीक है, न्यू साउथ वेल्स ये पूरा इलाका है। और यहाँ पे पहला आपको न्यू इंग्लैंड रेंज, अगर आपसे कोई पूछे न्यू इंग्लैंड रेंज कहाँ है, ये पूछा हुआ है यूपीएससी में, ठीक है, मैच द फॉलोइंग में, तो न्यू इंग्लैंड रेंज सोच के आपको लगेगा ये तो यूरोप में होगा, क्योंकि इंग्लैंड शब्द लिखा हुआ है, बट ये ऑस्ट्रेलिया में है। याद रखो कि न्यू इंग्लैंड रेंज, भले इंग्लैंड शब्द लिखा है, बट वो अगेन कहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया में। तो यहाँ पे आपका न्यू इंग्लैंड रेंज है, ये ध्यान रखना है। स्नोवी माउंटेन्स की अगर आप बात करते हैं, ठीक है, स्नोवी माउंटेन्स ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, स्नोवी माउंट जिसे हम कह रहे हैं, स्नोवी माउंट्स जो है, तो स्नोवी माउंट्स जो है आपके कहाँ पे लोकेटेड है, ये आपका स्नोवी माउंटेन्स माउंट्स है, ठीक है, दिस इज स्नोवी माउंट्स। नेक्स्ट इज ऑस्ट्रेलियन एल्प्स, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड नो अबाउट ऑस्ट्रेलियन एल्प्स, ठीक है। तो वेयर इज ऑस्ट्रेलियन एल्प्स, आसानी से आप कह सकते हैं कि क्योंकि ऑस्ट्रेलियन एल्प्स शब्द यूज हुआ है, सो यू कैन ईजिली कंक्लूड दैट इट इज लोकेटेड इन ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलियन एल्प्स जो है अगर आप देखें तो इट इज लोकेटेड हियर, सी इन दिस पोर्शन यू हैव ऑस्ट्रेलियन एल्प्स। फिर है माउंट कॉस्क्यूस्का, ठीक है, माउंट कॉस्क्यूस्का, तो ये जो है ये माउंट बहुत इंपॉर्टेंट माउंट है, ठीक है, इसका थोड़ा यूनिक सा नाम भी है। तो ये जो है बेसिकली आपका इस इलाके में लोकेटेड है, ठीक है, ये जो आपको माउंट दिख रहा है दिस इज अगेन माउंट कॉस्क्यूस्का, ठीक है। अच्छा एक चीज देख लो, मैं थोड़ा सा आपको करेक्ट कर देता हूँ, ये थोड़ा सा ध्यान ले, ऑस्ट्रेलियन एल्प्स जो है आपका, ऑस्ट्रेलियन एल्प्स बेसिकली आपका ये है, ठीक है, दिस इज ऑस्ट्रेलियन एल्प्स, ये नहीं है, है ना, ये बाय मिस्टेक यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस इज ऑस्ट्रेलियन एल्प्स, ये आपका ऑस्ट्रेलियन एल्प्स है। तो आप ध्यान रखो माउंट कॉस्क्यूस्का यहाँ पे है, ऑस्ट्रेलियन एल्प्स आपका साउथ ईस्टर्न पोर्शन में लोकेटेड है ऑस्ट्रेलिया के, वेरी इंपॉर्टेंट माउंटेन, ठीक है, माउंट कॉस्क्यूस्का। नेक्स्ट है ग्रम्पियंस रेंज, ग्रम्पियंस नाम भी बहुत अच्छे अच्छे हैं, ग्रम्पियंस, ठीक है, ग्रम्पियंस, ठीक है। तो ये आपके जो माउंटेन्स है, दिस इज माउंट ग्रम्पियंस, ये जो है आपका, दिस इज माउंट ग्रम्पियंस, ये जो यहाँ पे सदर्न पोर्शन में है ये ग्रम्पियंस है। फिर आपका बैरियर रेंज है ना, ये जो दिख रहा है दिस इज बैरियर रेंज, बी ए डबल आर ई आर, बैरियर रेंज। तो हियर इफ यू सी दिस इज अगेन इज अ बैरियर रेंज, ये आपका जो माउंट है दिस इज बैरियर रेंज। उसके बाद आपका लास्ट है माउंट राउंड, माउंट राउंड, तो आपका माउंट राउंड यहाँ पे कोस्टल इलाके में लोकेटेड है ऑस्ट्रेलिया के। ये देखिए यहाँ पे अगर आप बात करें 2019 की, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको पहली चीज न्यू इंग्लैंड रीजन याद रखो, ऑस्ट्रेलियन एल्प्स का लोकेशन याद रखो, और माउंट कॉस्क्यूस्का
जो है ये आपको, ये तीन चीजें जो है आपको याद रखनी है, ठीक है, सिर्फ इन तीन चीजों को आप याद करो, और 2020 की जो तैयारी कर रहा है वो सब की कर ले, सब याद कर ले, 19 की जो कर रहे हैं वो जरूर इनको करके जाएं, तीन एटलीस्ट, तीन बहुत कम है, है ना, हर कॉन्टिनेंट में अगर आप आठ दस करके जाते हो और उसमें से एक प्रश्न भी आता है तो जो है आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, वो टू मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और मैपिंग से बहुत से जो प्रश्न हैं वो पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं साउथ ऑस्ट्रेलिया के जो इंपॉर्टेंट माउंटेन्स हैं, है ना, साउथ ऑस्ट्रेलिया में लॉफ्टी, रिमार्केबल, फ्लिंडर्स और वुडरॉफ, ठीक है, वुडरॉफ जो है, ये अलग अलग माउंट्स हैं। माउंट लॉफ्टी की अगर आप बात करो, है ना, तो ये है, ये तीन लाइन से हैं, ये पूछा हुआ है, अरेंज दीज माउंटेन्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, इस प्रकार से, तो ये तीनों लगातार हैं, तो आपके 1, 2, 3 तीनों माउंटेन्स लगातार, माउंट लॉफ्टी, रिमार्केबल और फ्लिंडर्स, ठीक है, तो लॉफ्टी, रिमार्केबल एंड फ्लिंडर्स, ये तीनों माउंटेन्स इस तरीके से लाइन से हैं, ठीक है, ये तीनों माउंटेन्स आपके इस तरीके से लाइन से हैं, तो आप इसको जरूर याद रखें। और फिर आपका माउंट वुडरॉफ जो है, माउंट वुडरॉफ आपका यहाँ पे लोकेटेड है, ठीक है, तो इस तरीके से हमने ऑस्ट्रेलिया के सारे माउंटेन्स कर लिए हैं, ठीक है, अगर आप 2019 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये तीनों याद रखो, चौथा छोड़ सकते हो, लॉफ्टी, रिमार्केबल और फ्लिंडर्स, ये तीनों करके जाओ, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, साउथ ऑस्ट्रेलिया के जो इन माउंटेन्स को आप जरूर करें, ठीक है, तो आज के सेशन में जो है हम इतना ही डिस्कस करेंगे, कल जो है फर्दर माउंटेन्स हम देखेंगे यूरोप के, एशिया के, है ना, और जो दूसरे जगह पे हैं, है ना, साउथ अमेरिका, अफ्रीका के माउंटेन्स भी हम करेंगे। कल आप मैप अपने साथ जरूर लेकर आएँ, अगर आप एक घंटा यहाँ पे दे रहे हैं तो थोड़ा सा एफर्ट करना, क्योंकि होता क्या है कि जैसे मैंने आपको बोला ये यहाँ पे लोकेटेड, तो बहुत आसानी से तुरंत मार्क कर लेंगे, आपका एक बार कंप्लीट हो जाता है ये चीज़, है ना, वहीं अगर आप सिर्फ सुन रहे हैं, इफ़ यू आर ओनली लिसनिंग, तो फिर उससे क्या होगा, अभी एक घंटे में दोबारा भूल जाएगा, है ना, जैसे मसग्रेव कहाँ है, मिकेल कहाँ है, आपको नहीं याद रहेगा, ब्लू रिज कहाँ है, अप्लेचियन कहाँ है, नहीं याद रहेगा, है ना, पोपा काटा पेटी कहाँ पे है, नहीं पता होगा, है ना, मैड्रे कहाँ है, सियरा नेवाडा कोस्ट रेंज, कैस्केड रेंज कहाँ पे लोकेटेड, ये नहीं, लेकिन अगर आपने एक बार अपनी थोड़ा सा हाथ को तकलीफ दे दी और वो जो है वहाँ थोड़ा सा मार्क कर लिया है, ठीक है, मैं सिर्फ सीरियस स्टूडेंट से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जैसे जो स्टूडेंट सीरियसली इस एग्ज़ाम को बहुत लेकर अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, बट आई होप कि आप सभी, क्योंकि समय दे रहे हैं तो आप सभी जो है सीरियसली एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप जरूर कल मैप लेकर आएँ और साथ में ही जो है हम एक घंटे के अंदर अपना सारे माउंटेन्स रेंजेस ख़त्म कर लेंगे, ठीक है, तो बाद में आपको सिर्फ रिवीजन करने का ही जो है समय देना पड़ेगा, ठीक है। लास्ट में सिर्फ मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन अगेन कन्वे कर देता हूँ कि मेरे जो मैपिंग, ज्योग्राफी की मैपिंग भी मैं इसी तरीके से करवा रहा हूँ इंडिया की, ठीक है, और उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया, रिवर सिस्टम है, उसको भी हैंडमेड मैप के थ्रू ही हमने किया है, रेंजेस हैं, माउंटेन रेंजेस, माउंटेन पीक्स, ग्लेशियर, डैम्स, वाटरफॉल, बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क्स, है ना, मैराइन एरिया, मैराइन रिजर्व है, मैराइन एंड बायोडाइवर्सिटी एरिया, है ना, ऐसी ऐसी चीज़ें हमने जो है मैपिंग में बहुत डिटेल में की हुई हैं, है ना, टाइगर रिजर्व है, इंडस्ट्रीज हैं, डांस हैं, बहुत सारी चीज़ें, फेस्टिवल्स हैं, मिनरल्स हैं, क्रॉप्स हैं, सॉइल्स हैं, वेजिटेशंस हैं, तो ये सबको मैपिंग की उस कोर्स में मैंने कवर किया है और हैंडमेड मैप्स के थ्रू हमने क्लास में ही सब कुछ किया है, ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट क्लास कर रहा है तो उसे सिर्फ उन्हीं मैप्स को रिवाइज करके जाना है और कहीं भी एफर्ट करने की जरूरत नहीं है और उसका मैपिंग पूरे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो ये कोर्स जो है अगेन 10 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी हैं इसकी, तो अगर आपको जो है देखना है तो आप उसकी रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, आपको रिकॉर्डिंग उसकी अवेलेबल है, और 4 क्लासेस, आज भी एक क्लास है 10 बजे से 12 बजे रात को, और फिर 4 क्लासेस जो हैं वो अभी बची हैं, तो उस पर भी हम सारी चीज़ें डिस्कस कर ही रहे हैं। क्रिटिकली एंडेंजर्ड एनिमल्स आज हम डिस्कस करेंगे अपनी क्लास में, क्रिटिकली एंडेंजर्ड एनिमल्स जो हैं कहाँ कहाँ पाए जा रहे हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे आज की क्लास में, ठीक है, और इसके अलावा जो एक प्रकार से अगर आप देखें तो जो एग्रीकल्चर है, ठीक है, एग्रीकल्चर एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए, 40 मार्क्स जो है हर साल मेंस में पूछा जा रहा है और बहुत टेक्निकल प्रश्न आ रहे हैं, जैसे एलीलोपैथी क्या है, ठीक है, या फिर क्रॉपिंग पैटर्न पर प्रश्न है, या फिर मिलेट्स जैसी क्रॉप्स पर प्रश्न है, ठीक है, तो टेक्निकल प्रश्न मेंस में भी पूछे जाते हैं और प्री में भी पूछे जाते हैं एग्रीकल्चर के, तो ये कोर्स भी आपका अब 9th मई से स्टार्ट होगा रात को 10 से 12 बजे तक, ठीक है, ये 2 घंटे की, जब आप सारा अपना काम, अगर आप में से बहुत लोग जॉब भी कर रहे हैं तब भी आप समय दे के 10 से 12 बजे तक क्लास कर सकते हैं, ठीक है, और ये सारी क्लासेस एग्रीकल्चर और आईआर, ये दोनों, इंटरनेशनल रिलेशन भी साथ में ही, शाम को 7 से 9 बजे की ये क्लास होगी, ठीक है, तो ये दोनों के लिए जो है दोनों कोर्स आप कर सकते हैं ज्वाइन, 1 मंथ का भी अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं,
है ना, इन केस आप को थोड़ा सा डेमो लेना है कि भाई कैसी क्लासेस होती हैं, एक्सपीरियंस करना, तो बहुत आसान सा आप जो है 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं और आपका एग्रीकल्चर और इंटरनेशनल रिलेशन जो है कंप्लीट हो जाएगा। ये हार्डली आपको आई थिंक 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन 6000 के आसपास कुछ ऐसा अमाउंट है, वो आप एक बार चेक कर लें और इस कोड को यूज़ करें PANDEY10 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 PANDEY10, इस रेफरल कोड को आप उपयोग करें और इन दोनों कोर्स को जो है आप कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप में से कोई भी क्लास में जो है ज्वाइन करता है तो हम वहीं पे मिलेंगे, और कल के सेशन में इन केस जो है आपको नहीं ज्वाइन करना है तो आपका डिसीजन होगा, लेकिन इन केस हम अभी साथ में ही हैं, यूट्यूब सेशन हम साथ में ही करेंगे अभी, कल जो है जो क्लास होगी उस पर भी हम माउंटेंस को ही डिस्कस करेंगे, जो हमारे अभी बचे हुए माउंटेंस हैं उसको भी डिस्कस करेंगे, और कमिंग क्लासेस में ही यूट्यूब सेशन में ही मैं आपको जो ये साइक्लोन है फानी जो साइक्लोन है इसके बारे में भी डिस्क्रिप्शन दूंगा, ठीक है, फानी के बारे में कि ये किस प्रकार का साइक्लोन है, इतना डिजास्ट्रस क्यों है, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स किस प्रकार से बनते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन और टेम्परेट साइक्लोन के बीच में क्या अंतर है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे बहुत डिटेल में, ठीक है। तो ये अपकमिंग यूट्यूब सेशन में ही होगा, तो आप यूट्यूब सेशन में ज़रूर जुड़े रहें। आप सभी का धन्यवाद।